तो एक बात बताओ अनुराग भाई, हम खुद ही बहुत दिन से सोच रहे थे यहाँ पे आने के लिए। एक दो बार आए, वीडियो भी बनाए संगम पे, गंगा आरती पे, सोचा कि आएंगे विमान मंडप में, लेकिन तब तक पहुँच नहीं पाए। कहते ना, जिसके साथ लिखा होता उसी के साथ पहुँचते हैं। भाई यहाँ जूता छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। शादी में जूता चोरी हुआ था तो मिल गया, यहाँ चोरी हुआ तो फिर पैसे देने पे भी। हम कह रहे कोर्ट में डाल दो। कहीं रखने का बना होगा जूता। हम लोग लैंड कर चुके हैं विमान मंडपम के अंदर। अब देखते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पीछे मूर्तियाँ और आपको स्ट्रक्चर और नक्काशियाँ दिखाऊंगा तो बहुत खूबसूरत है। इस पर पूरा का पूरा एकदम बढ़िया। तो मेरा भी पहली बार एक्सप्लोरेशन है, तो देखते हैं कितना खूबसूरत है और क्या क्या देखने को मिलता है। सो स्टे ट्यून, आगे चलते रहो, हमको दिखाते रहो, हमको भी बताते रहो, लोगों को भी बताते रहो। ये क्या है? हिंगला पाकिस्तान के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कम जानता हूँ। फिर से एक बार सारी, ये है क्या? ये क्या है? गोला गोला ये लिंक है। लिंक का मतलब होता है प्रतीक। तो सावित्री कुरुक्षेत्र क्या लिखा हो इतने सारे? तो किसी चीज की चिन्ह है, पाकिस्तान से भी है भाई। ये देखो हिंगला पाकिस्तान, कोल्हापुर, बांग्लादेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जलंधर, बिहार, काठमांडू, मानसरोवर, जगन्नाथपुरी, नेपाल, हौरा और उज्जैन। पता नहीं क्या क्या चीज़ है। अगर तुमने नोटिस किया होगा ऊपर, तो ऊपर भी कुछ भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये उल्टा लटक के किसने बनाया होगा भाई? ऐसी नक्काशी कौन कर सकता है उल्टा? पिलर्स पे देखो कितना खूबसूरत है। हाँ, कि हर एक चीज काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई मूवी देख रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि हर एक फ्लोर पे किसी न किसी मेन यहाँ पे श्री द्वार शक्ति, मतलब देखो कि नहीं लगता है जैसे कि हड़प्पा की खुदाई मिली हुई कोई मूर्ति हो। इस फ्लोर पे यहाँ पर श्री का भाई इनको जो भी हो, लेकिन इनको तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। भाई तुम इन्फॉर्मेशन गलत शेयर कर रहे हो, सही सही शेयर करो, नहीं तो बदनाम हो जाओगे तुम। ऊपर देखो किसी भी तरफ देख लो, मतलब हाँ ये बात सही बोला तुमने। मतलब कहीं भी घूम के देख लो ना, इतना खूबसूरत दिखता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैमरा इधर घुमाओ किधर घुमाओ किधर घुमाओ। ऊपर चढ़ने के लिए समझ में नहीं आ रहा है इधर से। ये उतरने का रास्ता, ये जाने का रास्ता। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से मंदिर भी अच्छा दिखेगा और संगम का व्यू भी अच्छा दिखेगा। समझे भाई? अगर आप यहाँ पे आए तो इस मंदिर को जरूर एक बार देखें। तो इस वाले व्लॉग में येलो पार्ट एडिट करना है कि चलते ही देख, क्या काटने का समझ में सही बोल रहा हूँ। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ काटनी है। हर चीज़ इतनी अच्छी, कहाँ से काटे हो, कहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी हम लोग कहीं वहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे थे कि चलते हैं मंदिर के अंदर। अब हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से देखो कितना सही दिखता है। यहाँ से आपको एक बार पूरा संगम का व्यू दिख जाएगा, माघ मेले में क्या क्या चीज़ें हैं अप्रॉक्स सब कुछ देखने को मिलेगा, और साथ में ये खूबसूरत मंदिर भी देखने को मिलेगा। अच्छा, तो
हम लोग को भी नहीं पता, पढ़ पढ़ के आप लोग को भी बता रहे हैं, लेकिन अच्छे यूट्यूबर और अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की यही अच्छी बात होती है, नॉलेज ना होने के बावजूद भी वो गेन करते हैं फिर आपको बताते हैं, जिससे कि एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन भले कम पास हो लेकिन करेक्ट पास हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक साउथ इंडियन टेम्पल है, पूरा साउथ इंडियन डिज़ाइन में बना, सामने तिरुपति बालाजी की मूर्ति है, तो आपके आपको दर्शन करा देते हैं, खुद भी दर्शन कर लेते हैं। भाई तुमको डर लग रहा है? भाई कितना खतरनाक लग रहा है ना? मुझे लगा कि शेषनाग के केवल सात खंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सब है भाई? ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, नीचे से देखो ऊपर तक। विष्णु जी की शैया, और जिन्होंने कई सारे लोग लक्ष्मी जी के यहाँ कभी थी तो वो उन्होंने प्रसाद स्वरूप यहाँ पे कई सारे चढ़ा दिए गए, पैसे डाल दिए लोगों ने इसमें। अब चलते हैं और ऊपर, अब एक फ्लोर और ऊपर चलते हैं। भाई दरवाजे कितने बड़े बड़े हैं, 6 फुट का मैं हूँ, 14 फुट का दरवाजा है, लेकिन जो भी है सब मस्त है, बढ़िया है। ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पे, अरे यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हैं कुछ, तो पहले आपको दिखाई देते हैं। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको दिख जाएगी चारों तरफ दीवार पे, और उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी आपको दिख जाएगी दीवार पे। यहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेते हुए, तो ऐसी बहुत सारी आपको पिक्चर्स यहाँ पे दिख जाएगी। अब ऊपर क्या देखें, श्री शंकर जी मंदिर, तो ऊपर चलते हैं। आदि शंकर मंदिर कुछ स्पेशल है? अरे पूरा मंदिर ही स्पेशल है भाई, हमको लगता है 10-12 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे माघ मेले के ऊपर, तब जाके ख़त्म होगा। काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाएगी, जैसे आपको सिर्फ नटराज का नाम पता होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वत्स्यपाद नटराज, तो ये हमको लगता है वत्स्यपाद मतलब कोई वो है, पोजीशन है, जो इन्होंने ऐसा पोजीशन लिया उसको कहते हैं। यह हो सकता है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ही हमेशा जानते हैं। ये भी हो सकता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग आपको दिख जाएंगे, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ पीछे। क्या क्या दिखाएं, क्या क्या काटे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो को जितना लंबा होने दे दें, होने दीजिए। देखो ड्रेनेज टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, लोग बहुत ज़्यादा ध्यान लगाए पूजन कर रहे थे, और हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे बिल्कुल, इसलिए बस चुपके से रिकॉर्डिंग की और निकल लिए। एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, तो हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत कहीं वहाँ उस पुल से की होगी जो आपको अब दिख रहा होगा एकदम क्लियरली, एकदम कलरफुल, वहाँ से करते हुए हम लोग यहाँ से पूरा घूमते हुए इस ब्रिज से, उसके बाद यहाँ आ गए, और यहाँ से आप देखो कितना खूबसूरत है ये मंदिर। शायद आप बोर हो गए होंगे, लेकिन हम नहीं बोर हुए, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली एकदम कहता हूँ कि आप यहाँ पे आके बोर नहीं होंगे। अगर आपको संगम का असली नज़ारा देखना है तो इस जगह पे एक बार जरूर आए। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ना ही किसी पुल से, ना ही किसी और जगह से, तो ये बना ही विमानपट्टनम, मतलब कि आपको एरियल व्यू मिलेगा जो आप स्काई से देख सकते हैं। हाँ ये विमान की तरह आपको व्यू दिखेगा, जैसे लग रहा होगा कि आप विमान में और ऊपर से व्यू देख रहे हैं, तो एरियल व्यू का मजा लीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स कुछ एक्साइटमेंट बढ़ रही है, बचपन की क्यूरियोसिटी जाग रही, मेरी तो जाग रही भाई, झूला देख के अगर मेले में आया झूला नहीं खेले तो अभी हम लोग भी चलेंगे वहां पे, झूला झूलेंगे और मस्ती करेंगे। अनुराग भाई झूले पे चले, जायंट व्हील पे, वो ऊपर वाले पे। अरे यार यहाँ से नीचे देखने में ही हालत खराब हो जा रही है, इतना ऊंचा है, वहाँ उतने ऊंचाई से जब वो नीचे आएगा तो क्या हालत होगी। जो बचपन में होती थी, पुंगी बच जाएगी तुम्हारी।